कैप्टन मोहन सिंह कोहली अपने टेंट से मुंह बाहर निकालकर आसपास के माहौल पर एक नजर डालते हैं। मौसम खराब होने को है और टीम को नंदा देवी की चोटी तक पहुंचना है। कोहली जिस टीम को लीड कर रहे हैं उसमें भारतीयों के साथ साथ कुछ अमेरिकी पर्वतारोही भी हैं और साथ में कुछ शेरपा जो पर्वतारोहण के उपकरणों के अलावा पीठ पर गुरु रिनपोचे को लेकर चल रहे हैं। गुरु रिनपोचे कोई स्थानीय देवता नहीं है, ये एक न्यूक्लियर डिवाइस है, एक थर्मो न्यूक्लियर जनरेटर, एक जासूसी यंत्र को पावर करने के लिए। कहानी में जासूस भी हैं, थ्रिल भी और एडवेंचर भी। नंदा देवी की चोटियों पर एक न्यूक्लियर डिवाइस ले जाया गया है चीन पर नजर रखने के लिए। कहानी का सूत्रधार है अमेरिका, खासतौर पर कहें तो CIA। टीम डिवाइस को लेकर चोटी पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी अंधड़ आ जाता है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ये लोग नीचे वापस लौटते हैं, न्यूक्लियर डिवाइस वहीं पर छूट जाता है। एक साल बाद टीम वापस उसे निकालने पहुंचती है तो पता चलता है कि डिवाइस हिमालय की चोटियों में गुम हो गया है। इस सीक्रेट मिशन की खबर बाहर आती है। 1977 में इंदिरा सरकार की रुखसती हो चुकी थी। सरकार में कम्युनिस्ट साझेदार मोरारजी देसाई के लिए सरदर्द खड़ा कर देते हैं। आखिर भारतीय इंटेलिजेंस CIA के साथ क्यों काम कर रही थी, वो भी तब जब अमेरिका पाकिस्तान का समर्थक था। इस पूरे खेल का खामियाजा भुगतना पड़ा भारत को, पोटेंशियल खामियाजा, क्योंकि नंदा देवी की चोटी पर खोया न्यूक्लियर डिवाइस अगले 100 साल तक एक्टिव रह सकता है और अगर कहीं गलती से वो गंगा की धारा तक पहुंच गया तो भारत ने एक न्यूक्लियर त्रासदी आ सकती है। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत के ऐतिहासिक कहानियां। आज 20 मई है और आज की तारीख का संबंध है एक स्पाई मिशन से। शुरुआत से पहले आपको बता दें इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू FM ऐप, जो लाए हैं लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज करना है LT50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेर उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक आप देख सकते हैं। साल 1965, पाकिस्तान के साथ जंग को अभी वक्त है। उससे पहले भारतीय पर्वतारोही टीम को एक और जंग लड़नी है, जंग एवरेस्ट की चोटियों से। मोहन सिंह कोहली और उनकी टीम तैयारी में जुटी है। पिछली 3 कोशिशों में टीम चोटी के नज़दीक पहुंची, लेकिन बर्फीले तूफान के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। फरवरी में नेपाल को रवाना होने से ठीक 2 दिन पहले कोहली के पास एक व्यक्ति आता है, बैरी बिशप, एक 33 वर्षीय अमेरिकी जो 1963 में एवरेस्ट फतेह करने वाली अमेरिकी टीम का हिस्सा रह चुका था। इन दिनों बैरी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए फोटो एडिटर का काम कर रहा है, लेकिन कोहली से मिलने के पीछे बैरी का इरादा कुछ और है। बैरी बिशप चाहता है कि कोहली एवरेस्ट की तैयारी छोड़कर उसके साथ जीमू ग्लेशियर चले, कंचनजंगा का बेस जो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ता है। बिशप की पेशकश सुन कोहली अचरज में पड़ जाते हैं। ITBP की पर्वतारोही टीम सालों से एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ऐन मौके पर मिशन को छोड़कर वो कंचनजंगा जाएं क्यों, किस लिए? कोहली को अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। बिशप के जाने के बाद कोहली मलिक को एक लिखित नोट भेजते हैं, भोलानाथ मलिक, RNCAF के गुरु और तब IB के हेड, जिन्हें भारतीय इंटेलिजेंस का पितामह माना जाता है। नोट में कोहली लिखते हैं, मशहूर पर्वतारोही बैरी बिशप उससे मिलने आए थे, मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है, कृपया उन पर नजर रखें। इसके 2 दिन बाद कोहली अपनी टीम को लेकर नेपाल के लिए निकल जाते हैं। इस बात से अनजान कि बिशप को कोहली से मिलने मलिक ने ही भेजा था। इस पूरे खेल के पीछे इंटरनेशनल एस्पिनाज यानी जासूसी की कोशिश थी। दरअसल बैरी बिशप जनरल कर्टिस लीमे के आदेश पर भारत पहुंचे थे। लीमे जब अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे, उन्हें अमेरिकी फौज का सबसे खूंखार जनरल माना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लीमे की अगुवाई में अमेरिका ने जापान में भयंकर बमबारी की थी, जिसमें 50,000 जापानी नागरिक मारे गए थे। यहाँ तक कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान वो राष्ट्रपति जेफ कैनेडी से भी उलझ पड़े थे और तब उन्होंने वो मशहूर बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपने विरोधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए तीसरे विश्व युद्ध को भी तैयार है। लीमे के बारे में एक और बात फेमस थी कि वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करते थे। लीमे का भारत में इंटरेस्ट जगा था चीन के कारण, जो तब न्यूक्लियर टेस्ट की कोशिश में लगा हुआ था। शिनजियांग में टेस्ट हो रहे थे और वहां सैटेलाइट से निगरानी रखने का कोई जरिया नहीं था। तब
इसलिए बिशप ने लिमे को सुझाया कि हिमालय की चोटियों से चीन पर नजर रखी जा सकती है। यूं तो इसके लिए नेपाल और पाकिस्तान की चोटियां भी मुफीद थीं, लेकिन घनी दोस्ती के बाद भी अमेरिका को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था। भारत कुछ साल पहले ही चीन से धोखा खा चुका था, ऐसे में अमेरिका ने साल 1964 में भारत से मदद लेने की ठानी। अब आते हैं आज की तारीख पर। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि आज ही के दिन 20 मई साल 1965 को भारत ने पहली बार एवरेस्ट को फतेह किया था और इस टीम को लीड करने वाले थे कैप्टन मोहन सिंह कोहली, जो नेवी में हुआ करते थे, लेकिन पर्वतारोहण के लिए उन्हें खास तौर पर ITBP में शामिल किया गया था। एवरेस्ट फतह करने के बाद 23 जून को कोहली और उनकी टीम दिल्ली लौटी। सेना का डगलस DC-3 विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री विदेश दौरे पर थे, इसलिए कोहली और उनकी टीम का स्वागत करने के लिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत IB के सभी टॉप अधिकारी वहां पहुंचे थे। फूलमाला और तिरंगे के बीच कोहली के पास एक व्यक्ति आता है और कान में धीरे से कहता है, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बलबीर सिंह कोहली, जो ITBP में इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे। कोहली को बताते हैं कि प्लेन के पीछे की ओर एक खास व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा है। ये व्यक्ति थे RN काओ। काओ तब IB की एक ब्रांच एविएशन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हुआ करते थे। कोहली प्लेन के पीछे पहुंचते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि इंटेलिजेंस का इतना सीनियर ऑफिसर उनसे क्यों मुलाकात करना चाहता है। काओ कोहली को बताते हैं कि उन्हें अमेरिका जाना होगा। फौज के तरीकों में रचे बसे कोहली के पास कारण पूछने का कोई कारण ना था, ये ड्यूटी थी और उन्हें सिर्फ ऑर्डर का पालन करना आता था। फिर भी कोहली एक बार काओ को बताते हैं कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। तब काओ कोहली को बताते हैं कि पासपोर्ट तैयार हो चुके हैं। कोहली इतना तो जरूर समझ जाते हैं कि जरूर कोई भारी मसला है, लेकिन कोहली के लिए तुरंत निकलना संभव नहीं था। उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात और सदन में बोलने का न्योता दिया गया था। ये सुनकर काओ कुछ देर रुक कर बोले, अच्छा ठीक है, पहले सारी औपचारिकताएं पूरी कर लो। इसके बाद काओ अगले दिन कोहली को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं। अगले दिन RK पुरम स्थित ARC के ऑफिस में काओ कोहली को पूरा ब्रीफ देते हैं। कोहली को IB के चार और अफसरों के साथ एक संयुक्त भारतीय अमेरिकी अभियान में हिस्सा लेना था, जिसका उद्देश्य था कंचनजंगा पर चढ़ाई करना। यही बात बैरी बिशप ने भी कोहली से कही थी, इसलिए कोहली को समझ आ जाता है कि बिशप IB की सहमति से ही उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके बाद काओ बताते हैं कि टीम को कंचनजंगा पर कुछ चीज छोड़कर आनी है। भारत से टीम एक स्पेशल प्लेन में अमेरिका पहुंचती है। वहां उन्हें अलास्का के एयरफोर्स बेस पर ले जाया जाता है। यहां पर्वतारोहण की कुछ ड्रिल्स पूरी की जाती हैं। इसी दौरान CIA को खबर मिलती है कि चीन ने एक और परमाणु परीक्षण कर लिया है। अमेरिकी टीम को हेड कर रहे बैरी बिशप पर प्रेशर दिन रात बढ़ता जा रहा था। उन्हें जल्द से जल्द भारत पहुंचकर अपने मिशन को अंजाम देना था। अलास्का एयरफोर्स बेस पर एक आखिरी मीटिंग के बाद टीम भारत के लिए रवाना होती है। मिशन बेहद ही मुश्किल और कोहली के शब्दों में लगभग नामुमकिन था। टीम को कंचनजंगा की पीक तक 5 लोड कैरी करने थे, 8,579 फीट की ऊंचाई तक। क्या था इन लोड्स में? एक लिसनिंग डिवाइस जो सुदूर चीन से आ रही तरंगों को पकड़ सके, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पावर सोर्स क्या होगा, ये एक अलग दिक्कत थी। इसके लिए CIA ने एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करवाया था और इस पूरे सिस्टम को एकदम पीक पर इंस्टॉल करना था। थर्मो न्यूक्लियर जनरेटर का नाम था स्नैप, SNAP-19C, सिस्टम फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर। इसमें 4 ट्रांस रिसीवर लगे थे और एक 6 फिट लंबा एंटीना। ये कोई बम नहीं था, लेकिन एक्सप्लोड होने के लिए इसमें एक ट्रिगर लगा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसके अंदर प्लूटोनियम का कोर था, इसलिए रेडियो एक्टिविटी का खतरा हमेशा बना हुआ था। जब कोहली को इस डिवाइस का प्रेजेंटेशन दिया गया तो वो चिंता में पड़ गए, न्यूक्लियर डिवाइस के लिए नहीं बल्कि डिवाइस के भार के लिए। लगभग 57 किलो का लोड लेकर इतनी ऊंचाई पर चढ़ना लगभग असंभव था। भारत लौटकर कोहली ने इस बाबत एक चिट्ठी लिखी मलिक के नाम, लेकिन काओ ने उन्हें रोक दिया। मलिक ना सुनने के आदी नहीं थे और काओ को ये बात अच्छे से मालूम थी। काओ को लेकिन ये समझ आ गया कि कोहली की बातों में दम था। वो मलिक के पास पहुंचे और सुझाव दिया कि किसी कम ऊंचाई वाली पीक को इस मिशन के लिए चुनना चाहिए। मलिक तैयार हो गए और अंत में नंदा देवी पीक को इस काम के लिए चुना गया। टाटा गांव से नंदा देवी तक 125 किलोमीटर की दूरी थी। टीम ने इस दूरी को 7 चरणों में पूरा करने का प्लान बनाया। डिवाइस को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी शेरपाओं की थी।
जहां पहुंचकर आईबी और सीआईए की टीम उसे इंस्टॉल करती। कोहली अपनी किताब स्पाई इन द हिमालयास में बताते हैं, चूंकि जनरेटर से गर्मी निकलती थी इसलिए शेरपा उसे एक दिव्य वस्तु की तरह ट्रीट करते, साथ ही ठंड से बचने के लिए समय समय पर उससे चिपक जाते। सीआईए टेक्नीशियन के हिसाब से जनरेटर सुरक्षित था, लेकिन फिर भी शेरपाओं की छाती पर एक सफ़ेद बैज लगाया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर वो बैज अपना रंग बदलने लगे तो समझो विकिरण बाहर निकल रहा है। नंदा देवी बेस कैंप से कोहली लगातार काओ और मलिक के संपर्क में थे। 24 सितंबर से अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक टीम ने धीरे धीरे अपनी चढ़ाई जारी रखी। क्लाइंबिंग सीजन जल्द ही खत्म होने वाला था, इसलिए टीम जल्द से जल्द काम निपटा लेना चाहती थी। कोहली के प्लान के अनुसार शेरपाओ को चौथे कैंप से चोटी तक पहुंचना था, वहां डिवाइस रखकर वो लोग लौट जाते। इसके बाद दूसरी टीम चढ़ाई शुरू करती, जिसमें 2 अमेरिकी और 2 भारतीय क्लाइंबर्स होते और ये लोग डिवाइस को चोटी पर असेंबल कर लौट आते। चौथे कैंप से पीक तक दूरी 300 मीटर थी, लेकिन 18 अक्टूबर के आसपास वहां बर्फ गिरने लगी, विजिबिलिटी कम होती जा रही थी, साथ ही हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। सभी लोग बेहद थक गए थे, इसलिए कोहली ने अमेरिकी साथियों से सलाह मशवरा कर लौटने का निर्णय किया। दिल्ली तक एक खबर भिजवाई गई, बेमन से उन्हें इसके लिए राजी होना पड़ा। चढ़ाई अब अगले साल मई में दोबारा शुरू की जानी थी। कोहली ने तब सोचा कि अगली बार इतना भार दोबारा चढ़ाना वक्त और ताकत की बर्बादी होगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि जनरेटर और बाकी लोग को चौथे कैंप में ही छोड़ दिया जाए। शेरपाओं ने वहीं पर एक चट्टान की दरार ढूंढी और नायलॉन की रस्सी से बांधकर उसे वहीं छोड़ दिया। मई 1966 में कोहली की टीम दोबारा लौटी तो देखा लोड वहां से गायब था। जिस चट्टान से लोड को बांधा गया था वो भी गायब हो चुकी थी। साफ पता चलता था कि चट्टान और जनरेटर दोनों को कोई हिमस्खलन ले उड़ा था। जब दिल्ली तक ये खबर पहुंची तो आईबी अधिकारियों के पैरों से जमीन खिसक गई। वॉशिंगटन में भी यही हाल था। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये था कि जनरेटर का डिजाइन टॉप सीक्रेट था, उन्हें उसके विदेशी हाथों में लग जाने की चिंता थी। वहीं भारत के लिए चिंता कहीं और भयावह थी। सीआईए से आईबी को खबर मिली कि अगर किसी तरह वो डिवाइस पाने के रास्ते गंगा तक पहुंच गया तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी। न्यूक्लियर त्रासदी की इस खबर ने भारत में सबके होश उड़ा दिए। अगले 2 सालों तक सीआईए और आईबी ने डिवाइस को ढूंढने के लिए कई बार सर्च टीमें भेजी, लेकिन डिवाइस कभी नहीं मिल पाया। आशंका है कि वो डिवाइस आज भी नंदा देवी के नीचे कहीं दबा हुआ है, और जब भी समय समय पर बाढ़ हिमस्खलन से हिमालय की तराई में तबाही आती है, ये चिंता फिर सर उठने लगती है कि कहीं ये सब उस न्यूक्लियर डिवाइस के चलते तो नहीं हो रहा। डिवाइस कभी भी नहीं मिल पाया, लेकिन सीआईए ने कोशिश जारी रखी। 2 बार और कोशिश करने के बाद एक और डिवाइस नंदा देवी की पीक पर चढ़ाया गया, वो भी 4 महीने काम करने के बाद बंद हो गया। अंत में पावर के लिए एक सोलर डिवाइस का उपयोग किया गया और इस डिवाइस से कई सालों तक सीआईए ने चीन के परमाणु प्रोग्राम की जासूसी की। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।